सबसे पहले तो ये पवित्र भूमि में आने का मौका मिला वो धरती बहन की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। ये जगह ही ऐसी है कि आप एक बार आओ तो जिंदगी में फिर बार बार आने का मन होता है। एक महीने पहले यहाँ और शिविर हुई थी 15 सितंबर के आसपास, तभी पहली बार आया बड़ौदा में, और फिर अब लगता है कि कब शिविर और नेक्स्ट टाइम हो ऐसा वेट करते हैं। तो ये भूमि ऐसी कुछ पवित्र है कि जहाँ आने से ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। बाकी तो धरती बहन है ही यहाँ आपके लिए, 7 दिन अच्छा खिला पिला के ठीक करके आपको घर भेजेंगे, उतना ही नहीं आपके खुद के डॉक्टर बना के भी भेजेंगे। धरती बहन का एक ही प्रोग्राम, 6-7 दिन खिलाओ पिलाओ और खुद का डॉक्टर बना दो, एटलीस्ट आप 20 लोग तो डॉक्टर बन के ही जाएंगे जरूर, तो ही आपकी ये 1 वीक की शिविर सफल होगी। और फिर नए आप घर जाके दूसरों को डॉक्टर बनाएंगे। तो ये काम धरती बहन कर रही है हर महीने 2 महीने। हम तो साल में 150 स्टूडेंट को लेते हैं एक बार बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में, फिर 4.5 साल लगाते हैं डॉक्टर बनाने में, पर धरती बहन तो 1 वीक में बना देती है अपने खुद के डॉक्टर, और वो भी फ्री में खिलाओ पिलाओ और डॉक्टर। तो ये जो कुछ कर रहे हैं जवान साहब की वजह से हो रहा है, तो और फिर आगे धरती बहन बढ़ा रही है। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं उनकी कंपेरिजन में, याद रखना हमारा तो कुछ भी है आगे है ही नहीं, बत्ती तो ही नहीं, हम तो अभी नए बच्चे एडमिट हुए हैं NDS में, ऐसा समझना। पर ईश्वर की बहुत कृपा है कि पहले तो डॉक्टर बना दिया, वो नसीब वाले लोगों को बनते थे 40 साल पहले डॉक्टर बने हम, फिर जवान साहब मिल गए, उसमें थोड़ी कुछ कमी थी वो धरती बहन मिल गए, तो हमारी अभी जिंदगी का तो पूरा सफल हो गया मिशन, बताए आगे बढ़ाना है NDS को। एलोपैथी को तो बहुत बढ़ाया, आगे बहुत बढ़ाया, इतने बढ़ाया कि 6,000 डॉक्टर बना दिया हमने बड़ौदा में, गुजरात में कहीं भी हमारे स्टूडेंट है 6,000 6,000, क्योंकि वहाँ तो अर्थात 150-200 स्टूडेंट आते हैं बड़ौदा में, और 35 ईयर्स आप गिन लो कितने स्टूडेंट हो गए हमारे। और हमारा सब्जेक्ट भी ऐसा था फार्माकोलॉजी, एक सब्जेक्ट जो है वो फार्माकोलॉजी है, वो फार्माकोलॉजी जिनको मालूम है उनको बता दूँ कि वो सब्जेक्ट दवाइयों का है, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। तो आप समझिए कि मैंने 35 ईयर तक सबको मेडिसिन पढ़ाई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन हो, देखो ईश्वर की कितनी कृपा हो ही रही है, उनको भी लगा ही क्या जरूरी है, जरूर जरूर चालू करो। हाँ जी, सबसे पहले ईश्वर की कृपा हो गई हम सब पे, उनको भी लगा कि आज आप इतना दूर से आए हैं यहाँ और हम भी बड़ौदा से आए हैं तो पूरा मौका मिल जाए, तो JEE वालों को भी धन्यवाद शुक्रिया कि उन्होंने हमारी बात सुनी और जो कुछ कमी थी वो पूरी कर। तो बहुत सारी दवाइयाँ पढ़ाई हमने, बहुत पढ़ाई, बहुत सारे स्टूडेंट को लिए हर एक मेडिसिन पढ़ा ली हमने। आप मेडिकल स्टोर में जाओगे जितनी दवाइयाँ दिखी थी सार वो सब हम पढ़ाते, कम से कम 600 दवाइयाँ हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, 1.5 साल पढ़ाते हैं,
हर एक चीज दवाई के बारे में, मेडिसिन के बारे में पढ़ा, ठीक था। आप जो भी डॉक्टर आपको समझाता है वो सब हम पढ़ाते, और वो जो भी लिखता है प्रिस्क्रिप्शन वो भी पढ़ाते। बेशक क्लास होता है हाउ टू राइट अ प्रिस्क्रिप्शन, उसका भी क्लास है, वो सब डॉक्टर को हम पढ़ाते हैं, डेढ़ साल तक पढ़ाते और ऐसा 35 ईयर तक पढ़ाया। यानी हर एक चीज़ फार्मा इंडस्ट्री, मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन, दवाइयाँ, बीमारियाँ, स्टूडेंट सब 35 ईयर में हो गया, बहुत कुछ किया। उसके बाद लगा कि अभी और कुछ करना चाहिए, तभी आज हम आपके पास बैठे हैं। लास्ट 10 ईयर से रिटायर हो गए कॉलेज से, हम प्रोफेसर डीन सब बहुत कुछ किया, पोस्ट बहुत सारी ले ली, सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक काम किया, स्टूडेंट टीचर क्लास बोर्ड सर्वेंट नर्सिंग सबका बहुत कुछ, सबको बहुत कुछ कर लिया। और अल्टीमेटली रिटायर होने के बाद लगा कि और कुछ बाकी है, तो ईश्वर की कृपा हुई और ये एनडीएस के बारे में कुछ शुरुआत हो गई, टाइम पे हो गई जब रिटायर हुए, और तब तबीयत के भी प्रॉब्लम हुए थोड़े मोटे इधर उधर, तो ये एनडीएस का सहारा हो गया। हमारे घर में एक्चुअली हमारी सिस्टर एनडीएस करती थी, दोनों दो सिस्टर हैं तो पहले से ही करते थे, तो उसका पूरा पूरा फायदा मिल गया हमको। और हमारी जो भी प्रॉब्लम थी उसके लिए वो मेरी डॉक्टर, मेरी दो सिस्टर मेरी डॉक्टर। आप सोचो मैं 6000 स्टूडेंट का डॉक्टर, मैं फार्माकोलॉजिस्ट, मैं डीन, सब कुछ, बट मेरी सिस्टर दो है, एक छोटी और एक बड़ी, दोनों बड़ौदा में है, वो मेरे को सलाह दे, कुछ भी हो जाए तो वो मेरे को कंसल्ट की, ये ले लो, ये ले, ये करो, एनी मान ले लो, ग्रीन जूस पी लो, आज सलाद खा लो, खाना बंद कर दो, ये सब वो उनका प्रिस्क्रिप्शन वो मुझे दे। मैं 6000 लोगों को प्रिस्क्रिप्शन पढ़ाता था और वो मेरी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग करते थे। तो ये भी एक कुदरत की कृपा ही थी कि घर में ही दो डॉक्टर मिल गई मेरी सिस्टर। और फिर तो आगे बढ़े, एनडीएस के काफ़ी शिविर भी किए, अटेंड भी किए, लेक्चर भी दिए, एक्सपीरियंस भी किया, और 10 साल तक का भी यही सिस्टम चल रहा है। पहले 35 ईयर देगा अलग सिस्टम चला, और अभी 10 साल से करीबन ये सिस्टम एक्टिवली चल रहा है। सबसे पहले तो मेरी जो भी तकलीफ थी छोटी मोटी उसके लिए सिस्टर की एडवाइस लेके, और फिर चौहान सर मिले, मेरठ गए, वहाँ मिले गोपाल शास्त्री, तो ओवरऑल ये डाइट सिस्टम का कुछ दिमाग में चलने लगा। पहले दवाइयाँ चलती थी, अभी एनडीएस चलने लगा। पहले तो समझ में नहीं आया कि कैसे फास्टिंग से इतने फायदे होते हैं, एनिमा से फायदे होते हैं, और तो क्या है, तो कैप्सूल ले लो तो इमीडिएट फायदा हो जाता है, खत्म, बात पूरी हो गई, डायरिया हो गया तो कैप्सूल लिए तो बंद हो गए, वॉमिटिंग हो गए तो दो टैबलेट लो, वो तो सब हमको आता ही था। पर अभी सिस्टम ने बोला, यानी सिस्टम इंडियन सिस्टम ने सारा समझा दिया, अभी आते आते आप ये सब बंद करो, इधर आ जाओ। और एक बार माइंड में सेट हो गया कि बस तो ठीक है, और उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की, यानी पढ़ाई भी की, एनडीएस क्या है, क्यों इतना सारा उसके इफेक्ट है, कैसी इफेक्ट, क्या काम करता है, जैसे हम दवाइयाँ पढ़ाते हैं वैसे मैंने एनडीएस पढ़ना शुरू किया कि क्या है एनडीएस। ये डाइट पे इतना सारा एडवांटेज है, साइंटिफिक है कि फिर ऐसे ही जवान साहब और गोपाल शास्त्री बोलते जाते हैं और लोग करते जाते हैं कि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के प्रोफेसर हैं, तो कोई भी चीज़ करनी है तो पहले ज़रा उसका बेस समझना पड़ता। ऐसे तो बहुत सारे लोग एडवाइस देते रहते हैं जिंदगी में, ये करो वो करो, अल्टीमेटली साइंटिफिक लगा के, अल्टीमेटली लगा कि नहीं इसमें भी कुछ है, तो फिर अपने आप पर सब ट्राई किया, शुरुआत की, तब चेंज किया। जब मैं कॉलेज में था तो सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक स्टूडेंट टीचर स्टाफ हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट भी था, तो पेशेंट, उनके रिलेटिव, यानी बहुत कुछ लोग आते थे,
और काफी लोग तो खाली चाय पीने भी आते थे कि चलो सर के वहाँ चाय पीनी था। तो वही एक काम किया 10-15 साल तक सबको चाय भी पिलाए, दिन में 10 चाय पी ले कम से कम, 9 से 6 में अगर एवरी आवर एक दिन लो तो भी 9 चाय तो हो ही गए मिनिमम। ये सब किया, बहुत कुछ किया, समोसे भी खिलाए, नाश्ते भी बहुत किए, यानी वो लाइफ स्टाइल ही अलग थी। फिर उसके बाद लगा कि नहीं ये सब बहुत हो गया अभी, और ये लाइफ स्टाइल चेंज कर, थोड़ा कम खाओ, उपवास करो, एनिमल लो। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था पर करने में बहुत मुश्किल। इधर भी धरती बहन आपको बताएगी कि आप ये करो ये करो, आप याद रखना ये काम मुश्किल, ये प्रिस्क्रिप्शन जितना इजी नहीं। तो डॉक्टर के पास गए, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया और बाहर ही मेडिकल स्टोर से ले लिया, और दूसरे दिन से थोड़े ठीक हो गए, फिर अपना वही दारू से जीवन ऐसा नहीं है। ये सिस्टम एडॉप्ट करने में आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले, तो सबसे पहले ये करना है, उसके बगैर नहीं हो। तो आपको भी काफ़ी तकलीफ हुई, कैसे शुरू करें क्या करें, 10 चाय में से 1 चाय पे आना बहुत मुश्किल हुआ था पहले, फिर वो 1 चाय भी बंद करना, फिर आधी चाय पीना, फिर स्लोली ग्रीन जूस पे आना। ये 10 साल का सारा सफर है हमारा भी, पर आप भी एक बार डिसाइड जरूर करें। मैं आज आपके पास इसलिए आया कि आप 20 लोग यहाँ भी इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, दिवाली के टाइम में आप यहाँ आए, घर बार छोड़ के फैमिली अपनी तंदुरुस्ती हेल्थ के लिए आए, एक ही गोल है। तो वो आपके लिए थोड़ा कुछ मैं आपको सपोर्ट करूँ, कुछ मदद करूँ, कुछ गाइड करूँ, इसलिए आया हूँ। जितना भी थोड़ा कुछ हो सके उतना मेरा भी कंट्रीब्यूशन आपकी हेल्थ में रहे, फ्यूचर में रहे, आज रहे। तो याद रखना कि ये सिस्टम टफ है, कोई भी अच्छा काम टफ ही होता है, कुछ ही काम नया काम टफ होता है। आपको कुछ भी घर में भी नया करना है तो सब लोग अपोज तो करते ही, कोई आसपास वाले भी करेंगे कि क्या है कैसे है। तो ये नया, ये चेंज है, एकदम चेंज आपकी लाइफ स्टाइल का, डे टू डे का चेंज। आप तैयारी से जाना कि भाई अभी मेरे को तो ऑपोजिशन काफी रहेगा, और वो ऑपोजिशन में आप अपनी हेल्थ का तो आप आए फिट होने के लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए आए, जिंदगी में आप आगे की जिंदगी जीत जाए उसके लिए आए। घूमने तो आप सब जगह जाते हैं, वेकेशन में जाते हैं, पर आप ऐसी जगह पे आए हैं तो उसका कुछ रिजल्ट लेके जाए, और उसके लिए मैं आपको बोलने आया हूँ कि आप शुरुआत जरूर करो। शुरुआत नहीं करोगे तो आगे नहीं पहुंचोगे। मैंने भी शुरुआत की, थोड़ी थोड़ी की, तब जाके आज यहाँ पहुंचा हूँ और आपके सामने बैठ के बता रहा हूँ कि भाई ये जरूरी है, इससे क्या अच्छा है, एलोपैथी क्या है। तो मेरा तो एलोपैथी का तो बहुत ज़्यादा ही मुझे आ गया, समझो 35 साल में बहुत कुछ आ गया। आप सबको भी मालूम है, थोड़ा थोड़ा तो आपको भी आ गया, आपने भी सबने दवाइयाँ तो खाई हो, आपने खाई तो फैमिली में खाई हो, फैमिली नहीं तो आसपास वालों ने खाई हो, और अपने देश में तो क्या आसपास वाले की सलाह देते, वो भी डॉक्टर बन जाते। जो एक बार डॉक्टर के पास गया वो समझता है वो भी डॉक्टर बन गया, वो भी दूसरे को ट्रीटमेंट देना चालू कर देते। तो ये सब है ना, आप यहाँ से जाओ तो अपने डॉक्टर बन के जाओ। हेल्थ इज वेल्थ सबको मालूम है, वो सेंटेंस सबको मालूम है, आप सबको मालूम है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, पर वो समझते नहीं है। हम दूसरी वेल्थ के पीछे लगे रहे, बोले पहले पैसा कमा ले, पैसे सब सेटल हो जाए, फिर देखेंगे, वो फिर कभी आता ही नहीं, फिर सब लेट हो जाता। तो आप जितना जल्दी शुरू करेंगे वही, जो कल करना है वो आज शुरू करो, जो आज करना है वो अभी शुरू, तभी आप आके हेल्दी रहोगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आपका सबका गोल तो एक ही है ना कि स्वास्थ्य के लिए आए, आप हेल्दी रहने, ये एनडीएस सिस्टम क्यों एडॉप्ट करना है आपको तो मालूम है, सब प्रॉब्लम होते हैं फिर जाके एनडीएस पर पहुँचते। पहले तो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, और सारी पथी बहुत सारी है, पर सब लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, याद रख आप सबको मालूम है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई तो देंगे,
वो इन्वेस्टिगेशन तो पैथोलॉजी तो कराएंगे, रेडियोलॉजी भी कराएंगे, वो डॉक्टर का काम है, वो हम पढ़ाते हैं ना इसलिए वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं, पैथोलॉजी पढ़ाते हैं। पर ये एक सिस्टम ऐसा है कि जहाँ आपको कोई दवाई नहीं दे रहा है, सबसे पहले ये एक ही सिस्टम है कि आपके लिए कोई मेडिसिन नहीं, और मेडिसिन भी तो आप सबको मालूम है कि मेडिसिन की साइड इफेक्ट तो होने वाला है, कोई भी सिस्टम में जाओ कोई भी मेडिसिन लो, फायदा जितना करेगी उसके पैरेलल वो साइड इफेक्ट भी करेगी। हम लोग पढ़ाते हैं 600 मेडिसिन 600 ला रहा हूँ, ऐसे तो 800 भी हो जाते हैं, 120 लेक्चर लेते हैं फार्मेकोलॉजी साल भर, तो साइड इफेक्ट भी सबकी पढ़ाते हैं, 600 मेडिसिन की साइड इफेक्ट भी पढ़ाते हैं। हम ऐसी कोई मेडिसिन नहीं पढ़ाते जिसकी साइड इफेक्ट नहीं हो, है ही नहीं, क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंस है मेडिसिन, आप सबको मालूम है कि वो केमिकल सब्सटेंस, वो दवाई टैबलेट बनाने के लिए भी केमिकल डालना पड़ता है, तो दवाई का समझो 5 मिलीग्राम की टैबलेट है तो 5 मिलीग्राम की आपको नहीं मिलेगी, आपको तो 50 की मिलेगी 25, क्योंकि वो बाकी सब डालना पड़ता है केमिकल, तब जाके वो टैबलेट बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। तो वो सब टैबलेट भी केमिकल ही है, और जिस दिन वो केमिकल आप शुरू करेंगे, और दूसरी बात तो आपको मालूम है कोई भी ट्रीटमेंट चालू करोगे तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम चालू रहेगी, आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, कुछ भी बीमारी आई एक बार वो फिर आपके बंद करने का बहुत कम चांस हो। हाइपरटेंशन की दवाई तो लिखते ही है कि भाई कभी बंद मत करना, डॉक्टर को पूछे बगैर डोज भी नहीं चेंज करने का, ब्रांड भी नहीं चेंज करने, कुछ नहीं चेंज करो, ये लेते रहो, क्योंकि मेडिसिन की इफेक्ट जो है वो कंट्रोल करने की, आप सबको मालूम मेडिसिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, जिस दिन बंद किए थी तो रिवर्स हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा, इमरजेंसी भी आ जाएगी, डोज चेंज भी नहीं करने का और बदलने का भी नहीं, याद रखना। मैं भी आपको बता दे कि मेडिसिन जो भी आप लेते हो वो कंपनी की चेंज करते तो भी उसमें अगर दूसरा कोई फॉर्मुलेशन आ गया तो भी इफेक्ट चेंज हो जाए, इसलिए दवाई बंद भी नहीं करने की, चेंज नहीं करने की, कंटिन्यूएशन देते रहो, और डॉक्टर थोड़े थोड़े टाइम पे आपको बोलेगा अभी एक ऐड करो, इफेक्ट कम भी हो जाती है थोड़े टाइम में, आप सबको मालूम, फिर और ऐड करो। तो ये सब सिस्टम एक बार अंदर चक्कर में आप आ गए तो साइकिल चालू हो गए तो बंद नहीं होने वाला, 5 साल 10 साल 20 साल। हमारे तो पेशेंट ऐसे होते 20-20 साल से ब्लड प्रेशर डायबिटीज की दवाई ले रहे और उनको लगता है कि कंट्रोल में, उनका सेटिस्फेक्शन क्या होता है कंट्रोल में, आप कोई भी बीमारी है प्रिस्क्रिप्शन लोगे तो कंट्रोल में तो रहेगा, पर वो कंट्रोल में डोज बढ़ता जाता है, केमिकल बढ़ता जाता है और फिर उसकी साइड इफेक्ट होती है, वो भी 5 साल लेती है, साइड इफेक्ट भी इमीडिएट नहीं होगी आपको, कभी कभी तो 10 साल के बाद भी साइड इफेक्ट शुरू होती है। तो ये सब जो है वो है मेडिसिन का तो है, सबको मालूम है, और फिर साइड इफेक्ट शुरू हुई तो उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है, आप सबको मालूम है। समझो आपने पेन किलर ली तो एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी के साथ में गोली लेनी पड़ती, तो यानी दो तो हो गए ऐसे ही हो गए, फिर एसिडिटी ज़्यादा कम हो गई तो उसकी और ट्रीटमेंट हो गई, फिर उसके और ट्रीटमेंट, यानी जैसे आप ऐड करते जाओ और शुरू हो गए। तो ये सब सिस्टम आप वो रूटीन है, वो एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेदिक का रूटीन। हम NDS क्यों आए शुरू करने, क्यों आपको बोलने आए कि सबसे पहले आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़े, बगैर मेडिसिन अगर आपको कोई फिट रख सकता है, आपकी तबीयत ठीक रह सकती है, तो ये ही सिस्टम है। बाकी तो मुझे भी नहीं मालूम कि कोई मेडिसिन बगैर कोई भी सिस्टम चलती, यहाँ तो खाली डाइट से ही चला, आप खाओ सब कुछ खाओ, जवान साहब धरती पर बोलते हैं आप सब कुछ खाओ, पर क्या खाओ कितना खाओ वो बताते हैं, कब खाओ वही समझाते हैं बस, और कुछ नहीं है यहाँ। ये एक ऐसी सिस्टम है कि आपको अनलिमिटेड खिलाते हैं, जब भी आप जाएंगे डाइनिंग हॉल में आपको लगेगा कि इतने सारा लंबा वाइड स्प्रेड मेनू है, इतनी सारी चीज़ें खाओ, अनलिमिटेड खाओ और कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं। तो ये एडवांटेज इस सिस्टम का,
सिस्टम ही जो सिस्टम है ये अलग ही है। न्यू डाइट सिस्टम नाम जो दिया है, एक्चुअली ये नए डाइट सिस्टम तो बहुत पुराना है। हमारे ऋषि मुनि जो थे 100 साल 150 साल जीते थे, वो यही सिस्टम चला देते आप सबको मान। वो दवाइयाँ भी खाते, उनको डायबिटीज नहीं होता था, हाइपरटेंशन नहीं होता था, माइग्रेन नहीं होता, आर्थराइटिस नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो नेचुरल खाते, वो दिन भर खाते थे, जो भी मिलता था कुदरत ने जो दिया है वही खा। तो ये हमको सबको खाना तो है ही, पर जो कुदरती खाना है वो खा, बस और कुछ नहीं करना। और वही हमारी दवाइयाँ हैं, वही सारे सिस्टम चेंज करती है। मैंने शुरू करने से पहले बहुत कुछ किया कि ग्रीन जूस क्यों इतना सब प्रमोट कर रहे हैं, सुबह में उठो और ग्रीन जूस पियो। पर जो ग्रीन जूस में जो भी डालते हैं, जितने भी पत्तियाँ डालते हैं, वो साइंटिफिक। अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है ग्रीन जूस के बारे में, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस साइंटिफिक है। जैसे मेडिसिन पढ़ाते हैं वैसे पालक और धनिया का पढ़ लिया है, हमने भी पढ़ लिया, खुद ने भी पढ़ लिया, कड़ी पत्ता का हमने भी सब पढ़ लिया, तभी जाके आज हम आपको भी बोलते हैं और हम कर रहे हैं। जितनी पत्तियाँ आपको यहाँ धरती में डाल के ग्रीन जूस बना के देती है ना, हरेक का साइंटिफिक प्रूवन है, प्रूवन है। ऐसे कुछ भी नहीं कि आप पत्ती डाल दो और ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। कितने सालों से ग्रीन जूस का इफेक्ट और दाना धनिया की पालक की इफेक्ट पड़ी गई, देखी गई, तब जाके आज सबको रिकमेंड कर रहे हैं कि भैया बराबर है, इसमें हाइपरटेंशन का भी है, डायबिटीज का भी है, आर्थराइटिस का भी है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हर एक चीज के लिए। ये एक ही प्रिस्क्रिप्शन ऐसा है कि जो हर एक बीमारी के लिए अच्छा है, बाकी तो हर एक बीमारी के अलग डॉक्टर भी है, स्पेशलिस्ट भी है, 22 ब्रांच है, 22 ब्रांचेज इन मेडिसिन, MD, MS, MCA, DM, 22 ब्रांच। आप सोचो वो 22 ब्रांच के एक ही डॉक्टर धरती बहन यहाँ बैठी आपके सामने और फिर चौहान साहब बैठे, तो ये तो हमारे से और बड़े सिस्टम डॉक्टर जो भी बोलो ये बैठे हमारे पास, तभी हम यहाँ आए। तो बेसिकली ये सिस्टम से ओवरऑल बॉडी को ट्रीट करते हैं। आपकी बीमारी कुछ भी होगी, आप लंबा लिस्ट लोगे, धरती बहन को कितनी बीमारियाँ थी, चौहान साहब को कितनी बीमारियाँ थी, और कितने सारे पेशेंट जो हमने देखे इतने 10 साल में, कम से कम 5-6 तो कैंप किए बड़े बड़े, जिसमें 250-300 कैंडिडेट आते हैं बड़ौदा, और 7 दिन रहते हैं हमारे साथ, 7 डेज, और 7 दिन रहने के बाद उनका एनालिसिस करते हैं, तो काफ़ी लोग खुश हो गए, ब्लड प्रेशर कम हो गया, डायबिटीज कम हो गया, वजन कम हो गया, और वो सब तो ठीक है। ये NDS खाली कम नहीं करता है या ठीक नहीं करता है, पर आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना इतनी अच्छी हो जाती है, खुश हो जाती है। यहाँ से निकलने के बाद आप खुश हो के जाते हैं, आप 7 दिन यहाँ रहोगे तो 7वें दिन जाने का मन नहीं होगा। वो जो चेंज है ना वो यहाँ का चेंज, वो NDS का चेंज। बाकी आप तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, भले 5-star सूट में एडमिट हो जाओ, आपके आसपास सब लोग डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ ये सब है, पर आप उनको नहीं बोलोगे कि मुझे यहाँ रहना है और 15 दिन रहना है। वो यही एक जगह ऐसी है, ये सिस्टम ही ऐसी है कि आप यहाँ से जाने का मन नहीं होता, क्योंकि यहाँ आप खुश होके जाते। हॉस्पिटल से कोई खुश होके आज तक नहीं निकला, आप जब भी डिस्चार्ज लेते हैं पेशेंट कोई खुश होके नहीं रहा, चलो बहुत मजा आया, चलो घर जाते हैं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि उनकी फाइल इतनी मोटी बड़ी लेके जाते हैं और फिर बोलते हैं 15 दिन के बाद आना, महीने के बाद आना, जिंदगी भर आना। तो ये वो अलग माहौल, वो अलग सिस्टम, वहाँ से आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे, किसी को 10 दवाई, किसी को 15 दवाई, किसी को 5 मेडिसिन, तो ये सब लेके निकल आप याद रखो। और यहाँ आएंगे ना तो आप कुछ लेके नहीं निकलोगे, आप यहाँ से खाली खुश होके निकलोगे, कोई फाइल नहीं लेके जाओगे। ये कैंप ऐसा है, ये एडमिशन ऐसा है 7 दिन का कि कोई फाइल नहीं देगा आपको और नहीं कोई बिल देगा, याद रखना। हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज होते हैं तो 2 चीज़ देते, एक फाइल देते और एक बिल देते, यहाँ धरती बहन कुछ नहीं देंगे,
और इतना खुशी हो, मजे मजे आपको डिस्चार्ज देगी कि आप घर जाओ खाओ पियो और मजा। तो ये सब सिस्टम ही अलग है, पॉजिटिव है, प्रूवन है, इसमें कोई डाउट मत करना। पहली बार जो आज आए हैं एनडीए के लिए, कौन आए आपसे पहली बार, इसमें से नए कौन, काफ़ी लोग हैं, तो उनको बहुत सारे डाउट होंगे, किसी ने भेजा होगा, किसी ने रिकमेंड किया होगा कि मैं जाके आया हूँ, तुम जाओ धरती बहन के पास, या कहीं कुछ मैसेज मिला होगा। मैं नए लोगों के लिए आया हूँ खास, जो लोग एनडीए कर रहे हैं जिनको मालूम है उनके लिए बाद में बात करूँगा, पर जो लोग आज पहली बार आए, ये कैंप में पहली बार आए, उनके लिए आया हूँ, बड़ौदा से उनके लिए हाजिर हुआ कि आप जो भी पूछना है एनडीए का, जो भी है क्वेश्चन है, वो सब मुझसे पूछ लो। आज धरती बहन तो आपको सारा दिन बताएगी बताएगी, पर मैं आपको उसका सोल्यूशन दे, उसके जवाब देने आया हूँ। कुछ भी डाउट मत रखना, जब भी आप यहाँ से जाओ 6-7 दिन के बाद, एनडीए के बारे में कुछ डाउट मत लेके जाना। कोई बोले तो बोलना, मुझे सब आता है, मैं सब सुन के आया हूँ, पहचान के हूँ, मिल के आई हूँ, और मेरे को शुरू करने के लिए कोई डाउट मत रख कि जूस कैसे बनाने का, मैं सुबह में कैसे करूँगी, दिन भर कैसे फास्ट करूँगी, एनिमा कैसे लूँगी, ये सब घर में कैसे बाकी का लोग का मैनेज करूँगी, वो सब आपको करना ही। आपको डिटर्मिनेशन के साथ आया कि मेरे को ठीक होके जाना और ठीक होके रहना है जिंदगी भर, आपकी सारी जिंदगी ठीक, रेस्ट ऑफ द लाइफ। समझो आप आज एवरेज 50 साल के आए, 45 के आए, समझो एवरेज तो 45-50 के बीच में होगी सबके, ओवरऑल 20 की। और आजकल इंडिया की जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने 70 ईयर अपनी एज लिमिट डिसाइड की, गवर्नमेंट मिनिमम एवरेज हमारी 70 ईयर। अभी आप सोचो 50 है, 70 तक जाना है, एटलीस्ट 20 ईयर तो आप आराम से मस्त रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, बीमारी के बगैर रहो, और दूसरों को भी ठीक करो, दूसरों को हेल्प करो, फैमिली को हेल्प करो, उसके लिए आप आ जाए। आज यहाँ आने का जो एक मेन गोल है कि मैं यहाँ से जाऊँ तो रेस्ट ऑफ द लाइफ जितने भी बचे वो सब बीमारी बगैर जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो रहे, दवाई के बगैर चलूँ। दवाई से तो आप जरूर 70 ईयर तक चलो, जब फिट रहोगे तब आप 70 या 75-80 भी रहोगे दवाई के साथ, पर वो सिस्टम, वो जिंदगी है ना अलग है। आपको मालूम है कि कैसे रहते हैं पेशेंट, आपने बेड रिडन भी देखे होंगे और 10-15 गोली खाते हुए भी देखे होंगे, सबने देखे। आपको वैसा नहीं रहना है, आपको मेडिसिन के बगैर रहना है, अपने आप को मजा करना है, दूसरों को सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। आपके फैमिली को ऐसा नहीं लगे कि एक लाइबिलिटी घर में 70-80 साल के बाद आजकल ऐसा लगता है जिसके पास टाइम नहीं, तो ये कौन करेगा आपका सबका। अगर आप बीमार हो गए तो 70-80-90 तक भी चलते आजकल, फिर कौन करेगा आपका। वो सोच के आप एनडीए शुरू करें कि आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़े, और फिर आप दूसरों को हेल्प करो वो बाद में, पर आपको तो एटलीस्ट दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़े, और आप 70-80 तक तो जरूर जीने वाले हो, सब लोग जीने वाले हैं। कुछ भी करोगे, इंडियन नहीं करोगे तो भी जी लो, उस मेडिसिन के साथ, डॉक्टर के साथ, हॉस्पिटलों के साथ, जैसा जैसा अपना विचार, पर रहोगे जरूर। कोई ऊपर तो आजकल बहुत कम जगह है, यहाँ बहुत जगह इंडिया में है, तो सबको यहाँ 70-80 हॉस्पिटल भी इतने खुल गए ना, आपको मालूम है 5-स्टार हॉस्पिटल भी खुल गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने का यहाँ। पर आप सब याद रखना कि आपको अगर फिट रहना है, मस्त रहना है, दूसरे की ज़रूरत नहीं, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, और प्लस फाइनेंशियली इतना महंगा हो गया मेडिकल, आप सबको मालूम है कितनी मेडिकल ट्रीटमेंट महंगी हो गई, और मेडिकल सपोर्ट इतना मुश्किल है आजकल। अब अगर बीमार हो गए, बेड रिडन हो गए, आपको लगेगा कि मैं कब अभी इसमें से छुटकारा पाऊं, बहुत हो गया। मैं तो बहुत लोगों को जाता हूँ, बड़ौदा में हमारे यहाँ काफ़ी ओल्ड एज होम भी है ना, जिनका मुश्किल है घर पे रहना, कोई देखता नहीं है, तो सब पेरेंट वहाँ छोड़ के जाते बेटे लोग फैमिली वाले, क्योंकि वहाँ सर्विस मिलती है, खाना पीना मिलता है, ध्यान रखने वाले स्टाफ मिलते हैं,
पर फैमिली से दूर रहना पड़ेगा और एक्सपेंसिव जो फाइनेंस है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। 12 आवर्स सर्वेंट रखो, 24 आवर्स सर्वेंट रखो, इतना कुछ महंगा भी हो गया है और ओल्ड एज होम में गए तो उससे भी महंगा हो गया। और वो लाइट नहीं है, ओल्ड एज में मैं कल ही गया था, वहाँ 4 लोग रहते हैं एक रूम में, इतने दुखी थे, इतने दुखी कि डॉक्टर साहब आप पहले क्यों नहीं मिले हमको। उनको सबको लगता है कि NDS पहले क्यों नहीं मिली, आपको भी लगेगा, याद रखें आप सबसे नसीब वाले आज की तारीख में जो यहाँ आए हैं ना, वो बहुत नसीब फॉर्चुनेट कि आपको धरना धरना भी मिले, धरती बहन मिले, चव्हाण साहब मिले और ऊपर से मैं थोड़ा कुछ बड़ौदा से मिल गया। तो ये सब है ना, आप कहाँ अपने गांव से आए, कहाँ से आए, ओवरऑल सब आप कहाँ से आए, गुजरात से, संतरामपुर, अहमदाबाद, मोरबी, मोरबी से आए, अहमदाबाद। तो ये सब अहमदाबाद, संतरामपुर, मोरबी, ये सबसे आए आप, तो आप नसीब वाले, मोरबी वाले आज यहाँ मातर आए सबसे नसीब वाले, क्योंकि बड़ौदा वाले, अहमदाबाद वाले तो आ सकते हैं, आसपास वाला, नड़िया वाला, सबसे ज्यादा नसीब था नवी मुंबई वाले, 500 किलोमीटर दूर से आए, जूनागढ़, जूनागढ़ भी 400 किलोमीटर। तो यानी सब आप भगवान की कृपा हुई है, याद रखना ये मंदिर है, ये मंदिर है, आप यहाँ आए मंदिर में आए और ईश्वर की कृपा है तभी आ सकते, मगर ईश्वर की कृपा है आप यहाँ मातर में धरती बहन के पास नहीं पहुँच सकते, कितने साल प्लान करते तब जाके यहाँ आते, और आज से आप जाएंगे यहाँ से तो एक अलग विचार से, अलग थिंकिंग से, अलग आइडिया से घर पहुँचेंगे कि नहीं अभी मैं तो हेल्दी रहूँगी, आपको जो करना है, फैमिली वालों को जो करना है, मैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान, मैं जो सुन के आई हूँ, समझ के आई हूँ, खा के पी के आई हूँ, वैसा ही करूँगी, वही करूँगी और जितना और उतना कर, जैसे मैंने बताया बहुत मुश्किल काम है, सबसे याद रखना ये बहुत मुश्किल काम है, अभी सुनने का और खाने पीने का मजा आएगा आपको, 7 दिन सब तैयार मिलेगा, कोई चिंता नहीं है, पर घर जाके जब बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा और फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, आप अकेले तो नहीं, तो वो सब नॉर्मल खाना भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, बट अब याद रखना डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल, अपॉइंटमेंट लो, 2-3 घंटे बाहर बैठो, फिर 5 मिनट डॉक्टर देख के इतना लिख के देगा प्रिस्क्रिप्शन, पहले तो पैथोलॉजी में जाओ, ब्लड दो, फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास जाओ, फिर सब रिपोर्ट दिखाने जाओ, फिर दवाइयों का लिस्ट लो, ये सब बहुत मुश्किल है, उसके कंपेरिजन में ये बहुत ईजी है, आपको खाली अपने किचन में ही काम करना है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, एक जूसर लिया और एक फिल्टर लिया जूस बनाने का और एक एनिमा पॉट ले लिया, आपके हॉस्पिटल चालू, आपका क्लिनिक चालू, आपकी इमरजेंसी किट चालू, सब हो गए, आपको और कोई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जी की दुकान और फ्रूट की दुकान पे जाओ, अगर वो आपके घर लारी आ जाती है तो वो भी नहीं जाओगे, तो आप सोचो कितना ईजी हो गया, आपका कितना टाइम बच गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो आप और आपकी फैमिली का क्या हाल हो सबको मालूम, वो नई चीज़ नहीं है। तो अगर आप NDS कर लिया, शुरू हुआ, आपकी सिस्टम सेट हो गए, बीमारी नहीं पड़ोगे, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन अगर बंद हो गया ना तो सबसे बड़ी कृपा हो गई ईश्वर की और चव्हाण साहब की और धरती बहन की, याद रखना, क्योंकि उसमें जो तकलीफ है वो तो जो एडमिट होता है उसी को मालूम है और रिलेटिव को मालूम पड़ता है और फैमिली को मालूम है कि क्या हालत होती है, एक पेशेंट ICU में होता है, अब जिसको एक्सपीरियंस है उसी को मालूम पड़ेगा कि क्या हालत होती है। और छोटे गांव वाले अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद वाले बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे वाले US जाएंगे, तो ये सब जो है सिस्टम उसका अलग ही एक पिक्चर है, हम NDS का पिक्चर अलग ही दिखाते हैं कि आपको उसमें सब में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आप हॉस्पिटल के बाहर जाओ 4 से 6 वेटिंग टाइम, पेशेंट को मिलने का टाइम,
अब देखो सब दुखी लोग आए, सब दुखी लोग, क्योंकि रिलेटिव की हालत ऐसी होती है, उनका एक ही बात होती है कि कब छुटकारा मिलेगा, कब घर जाए, डिस्चार्ज कब मिलेगा, वही एक क्वेश्चन होता है। तो वो सब आप उसमें मत पड़िए, उससे दूर रहना है तो आपको ये एनडीएस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना। नहीं किया वो सिस्टम में आप जाओ, 70 साल रहो, 80 साल रहो, ओल्ड एज होम में रहो, मेडिसिन रहो, डायलिसिस करो, ऑपरेशन कराओ, वो सब पैरेलल चलेगा ही। पर आज आप आए हैं तो थोड़ा सीख के जाओ, अपने के लिए सीख के जाओ। अभी आज जिस दशहरा पे आप आए हैं या नवरात्रि में, अगली नवरात्रि में अगर आप यहाँ आएंगे तो आप सबको धरती बहन को थैंक यू बोलने आओगे, अगर एनडीएस शुरू किया है, क्योंकि एक साल में आपकी सारी लाइफ चेंज हो जाएगी। आजकल जो भी दवाइयाँ चलती है, जो भी कंप्लेन है, जितने भी है, अगर आपने एनडीएस सीरियसली कर लिया तो आपकी दिवाली, अगली दिवाली जरूर अच्छी जाएगी, दशहरे बहुत अच्छे जाएंगे, नवरात्रि तो एकदम अच्छी जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम में आप तब आपकी बॉडी एकदम बदल जाती है, एकदम टिश्यू है ना, छोटे छोटे सेल सब चेंज, नए जो आएंगे ना एकदम फ्रेश आए। आपने देखा होगा ये आपके प्लांट होते हैं, जो नए लीफ आते हैं, फ्रूट आते हैं, जो भी फ्रूट फ्लावर आते हैं एकदम फ्रेश हो, फिर ओल्ड एज में चले बदल जाते, तो बॉडी के सेल भी ऐसे ही होते, कोई 7 दिन के बाद, कोई 3 दिन के बाद, कोई 6 महीने के बाद चेंज होता, अभी नए फ्रेश आ जाए। एनडीएस के साथ जो भी नए सेल आएंगे ना, वो नई पत्तियाँ लेते, नए फ्लावर लेते हैं एकदम फ्रेश, तो आपके बॉडी के नए सेल आ गए, हर एक सेल नया आ गया, एक साल में तो सब चेंज हो गया, आपकी स्किन एकदम, आपके लोग आसपास वाले बोलेंगे, आपको जरूर बोलेंगे कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ऐसी क्या कहाँ जाके आए कि आपकी एकदम स्किन फ्रेश, ग्लो आ जाएगी, चमक आ जाएगी, वो एज आपकी 10 साल कम हो जाएगी एक साल में, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ, इतना अच्छा फायदा होता है। यानी ये सब मैंने देखे हुए, 70 ईयर्स 80 ईयर्स वाले भी, एनडीएस वाले इतने फ्रेश होते हैं कि सुबह से शाम तक एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाएगा। जिनको अभी थकावट लगती है, जो कंप्लेन करता है, कुछ भी कंप्लेन करता है ना, आप कोई कंप्लेन नहीं करोगे एक साल के बाद, पहले भी हो जाएगी पर एक साल के बाद आपकी जिंदगी में से कंप्लेन खत्म हो जाए, क्योंकि तब फ्रेश हो जाओगे मेंटली। इसलिए आपकी मेंटल एज इतनी यंग हो जाएगी ना, आपको लगेगा कि मैं तो बहुत मस्त हो गया, क्योंकि एनडीएस में सारी बॉडी सर्विस हो जाएगी। जैसे आप गाड़ी सर्विस कराते हो छोटी मोटी भी, आपको मालूम कितना फर्क पड़ता है, वो ऑयल चेंज करेगा, सब वॉश करेगा, कचरा निकाल देगा, डिटॉक्स कर देगा, तो आपकी बॉडी भी डिटॉक्स एकदम फ्रेश। 10 साल छोटी आपकी उम्र और एकदम एनर्जाइज, और मेंटल एज भी इतनी, आपकी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी ना, आपको अब जो दुख हो रहा है, कोई तकलीफ है, वो सब गई, आप कोई कंप्लेन नहीं करोगे, आपको कोई कंप्लेन बचेगी, क्योंकि आप इतने फ्रेश हो जाओ। एनर्जी लेवल जितनी बढ़ जाती है मेंटल और फिजिकल, वो कोई कंप्लेन नहीं करता, वो खाके पीके मजा करते, और इतना सब खाते पीते, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा, आपको जो आपकी किचन में ही बनेगी दवाइयाँ, खाओगे भी किचन में, मजे जूस भी वहीं है, और एक एनिमा का पॉट लेना है बस, उतना ही करना। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़े, चाय पीते हो वो बंद करना मुश्किल होगा, शुरुआत में ऐसा लगेगा पर हो जाए, हमने भी काम किए, 10 में से आ गए ना, आज 1 पे 0 पे आ गए, तो आप सब है ना, ये सुबह की जो चाय है ना, वो आपको नहीं मालूम है, आपको तो लगता है एक कप चाय से क्या हो, और वो सारी सिस्टम को डिस्टर्ब कर, स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन को लेकर, वो सब उसके जो चाय के अंदर है, और हम तो चाय इतनी बॉइल करते हैं कि सब मसाला निकाल निकाल के निचोड़ के पीते हैं, तो वो सब निचोड़ अपने बॉडी में ही जाता है, इसलिए सिंपल चीज़ है चाय। अब बंद करके देखो, थोड़े दिन तकलीफ पड़ेगी शायद, पर एक बार एक ग्रीन जूस पे आ जाओगे, फिर आपको वो चाय आपके सामने रखेंगे ना तो भी नहीं पियो, आज आपको मन नहीं होता है चाय पीने का, सामने कितनी भरे 10 ग्लास सब लोग पीते हैं, पर अपने को इच्छा नहीं,
तो ये चेंज करना पड़ेगा। अब आए तो पॉजिटिव होके जा रहे यहाँ कि भैया मेरे को ये करना है, इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके पास ऑप्शन तो है मेडिसिन, वो ऑप्शन 24/7 है आपके पास, सबके पास, पर अगर उसमें से निकलना है ना आपको, तो ये सिस्टम आपको जरूर एडॉप्ट करना। अभी आपकी सबकी जो भी मेडिसिन चलती होगी, जिसकी भी चलती होगी, एक साल में आपको लगेगा कि मेरी मेडिसिन सब कम हो गई, बंद हो गई, इससे अच्छा कौन कौन आपको डॉक्टर मिले। ये धरती बहन और चौहान साहब की NDS जैसी सिस्टम आपको मिली है ना, प्लीज आप शुरू कर दो, यहाँ से जाके यहाँ 6 दिन जो कंटिन्यू करो, इतना इतना खाते पीते उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, कम खाना घर पे जाके, यहाँ तो धरती बहन बहुत खिलाती पिलाती है, पर वहाँ जाके जितनी जरूरत है जरूर कर। उपवास करने के तो फायदे हम साइंटिफिक है, साइंटिफिक उपवास, ये तो NDS वाले बोलते हैं कि आपको उपवास करना चाहिए, ऐसा नहीं, फास्टिंग के जो एडवांटेज है वो साइंटिफिक है, अपनी बॉडी सारी रेस्ट मिलती है, बॉडी को सिस्टम को रेस्ट, रोज खाके खाके हम लोग बॉडी को इतना परेशान कर दिया है, इतना थका दिया है, तो उसको बीच में रेस्ट देना पड़ेगा। आपकी बॉडी एक दिन फास्ट करोगे ना तो 1 महीना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, याद रखना, यंग हो जाएगी, 1 महीना उम्र बढ़ जाएगी 1 दिन फास्ट कर, क्योंकि उससे खाली फास्ट करने से आपको रेस्ट मिलता है ऐसा नहीं है, याद रखना फास्ट करना सबसे मुश्किल है, जिन्होंने किया है ना उनको बहुत मुश्किल लगता ही होगा पहले फास्ट करना, 24 घंटे फास्ट करना सबसे मुश्किल, वो मेन आपका मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ब्रेन को उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना कि डिसाइड करो, नहीं तो शाम को 5 बजे ही लगेगा कि भूख लग गई, खा लो, चलो कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो, वो 24 आवर्स चलाना जो है ना फास्ट को, उसके लिए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, आपका ब्रेन बहुत पावरफुल होना चाहिए, तभी जाके आप 24 घंटे फास्ट करो, या 9 दिन करोगी 2 दिन करो, तो फास्ट करने से ऐसा नहीं है कि आप खाली पेट को रेस्ट देती हो, इंटेस्टाइन को रेस्ट देती हो, ऐसा नहीं, आपकी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ती है फास्ट करने से खाली, वो आप ट्राई करना, पहले दिन आप ट्राई करना कितना मुश्किल है, सुबह से दोपहर में लगेगा कि कुछ खा लेते हैं, चलो फिर फास्टिंग का कुछ खा लेते हैं, ग्यारस का कुछ खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, और वो आते आते ब्रेन आपका है इतना पावरफुल होगा कि आप सस्टेन करोगे कि नहीं खाना है, अगर सामने रखेंगे तो भी नहीं खाओ, तो ये सिस्टम है ना आपके ब्रेन की इतनी एनर्जी चाहिए उसको भी, वो तो फास्टिंग से आते, और फास्टिंग के जो एडवांटेज है वो तो इतने सारे आजकल सब आ गए हैं कि कोई लिमिट ही नहीं, लोग 9 दिन फास्ट करते हैं, नवरात्रि करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, नींबू पानी पे रहते हैं, आप सोचो 9 दिन नींबू पानी पे रहना, कहाँ से एनर्जी आई आपके बॉडी में, एनर्जी कहाँ से आई, रोज तो इतना खाते हो इतना पीते हो, पर 9 दिन आपको नींबू पानी पे भी कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, वो आपकी बॉडी एडजस्ट, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको लगेगा कि 9 दिन नहीं खाया तो अभी और 9 दिन नहीं खाऊँ तो चलेगा, क्योंकि उसमें ही एनर्जी है, फास्टिंग की एनर्जी एक अलग ही सिस्टम है। मैं गया था मेरठ एक नवरात्रि करने, तो वहाँ 8वें दिन रात को सब लोगों ने बोला कि कल का आखिरी दिन है, सेलिब्रेशन है, सारा दिन कुछ प्रोग्राम है, 350 लोग थे यहाँ तो, 20-25 है, 350, और नवरात्र की जो नवरात्रि थी 9 को सुबह से शाम तक इतना सारा फंक्शन था, कीर्तन मंजन दान ये सब प्रोग्राम, 350 लोगों ने सब कुछ मजा किया, एंजॉय किया, और फिर उसमें दिया गया वही नवरात्रि में जूस देते हैं जो भी नवरात्रि का फास्ट ब्रेक करने के लिए कुछ दिया, एक भी आधे दिन में से किसी आदमी ने किसी ने कंप्लेंट नहीं की है कि मुझे वीकनेस आई, मेरी बीमारी आ गई, मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल में गया, मैं कुछ भी कंप्लेंट नहीं की है, सोचो ये एनर्जी है 9 दिन के फास्टिंग, और वो भी नींबू पानी, सिर्फ नींबू पानी, और वो भी दिन में 3 टाइम, ऐसे नहीं कि आप सारे दिन नींबू पानी पीते रहो, नहीं, सुबह दोपहर शाम,
उसमें इतनी एनर्जी थी, 350 लोगों में थी, सबकी बीमारियां तो गई गई, ऊपर से एनर्जी लेके सब लोग घर गए। और आधे लोग तो गाड़ी में बैठने के लिए रोते थे कि मेरे को घर नहीं जाना, यहाँ इतना मजा। तो ये सब आप है ना, NDS का प्रताप, फास्टिंग का प्रताप। अब पॉजिटिव एनर्जी इतनी आती है NDS बगैर खाने, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्चुअल जो हम लोग खाते हैं इतना जरूरी नहीं है, रूटीन में भी नहीं जरूरी, पर 25% बहुत हो गया। हम लोग जो खाते हैं उसमें से 25% खाओ, बहुत हो गया अपनी बॉडी मत रहे। वो 75% एक्स्ट्रा जो खाते हैं वो हमारी हेल्थ बिगाड़ने के लिए, डॉक्टरों के पास जाने के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए जाते हैं। 25% हमारे लिए और बाकी 75% डॉक्टरों के लिए। तो बिल्कुल खाने की जरूरत ही नहीं, आप फास्ट करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेंटल स्ट्रांग बना पड़े। तो एक फास्टिंग जरूरी है, बहुत कुछ साइंटिफिक है, प्रूवन है, कोई डाउट नहीं। जितना हो सके फास्ट करो, अभी आप सुबह 10-11 बजे तक फास्ट करो, 12 बजे तक करो, 8 बजे खा लेते हो और 8 तो भी कितना, अराउंड 16 आवर 14 आवर जितना भी हो, इसमें कोई ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है कि आप सुबह 8 बजे लो, दोपहर में 2 बजे लो, रात को 8 बजे लो, नहीं। ये आपको जितना अप्रोक्सीमेटली जितनी पॉसिबल है करो, पर करो जरूर। सुबह अगर आपको बोलते हैं कि 12 बजे ग्रीन जूस पियो, आपसे नहीं होता है तो 10 बजे पियो, पर 10 बजे तक तो आराम करो, फास्ट करो, 10 बजे ग्रीन जूस। आपको भूख लगती है तो 2 बजे की जगह 1 बजे खा लो, कुछ फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, चटनी खाओ, जो भी करो, पर कुछ करो, चेंज करो। ये डाइट चेंज करो, एक कंसेप्ट है, वो चेंज अडॉप्ट करो। टाइम तो बाद में आएगा, वो जो रूल है इतना घंटा ये करने का, इतना आवर ये, वो बाद में करना, पहले शुरू तो कर दो कि चलो भाई कल से ग्रीन जूस सुबह को पीने, कोई 9 बजे पी लो, 10 बजे पी लो, 11 बजे पी, पर शुरू तो करो। नहीं करोगे तो फिर तो वो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं। तो ये यहाँ आप आए तो जाके कुछ करो, मेडिसिन से दूर रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी तो है ही अपने सिस्टम। और आप लोगों को जितनी भी कंप्लेन है, किसी को भी कुछ भी कंप्लेन है, NDS से कुछ नुकसान तो होने वाला, ये एक ही प्रिस्क्रिप्शन रहता है कि कोई नुकसान नहीं होगा। आप फ्रूट खाओगे, सलाद खाओगे, चटनी खाओगे, 3 टाइम जूस पियोगे, कोई नुकसान नहीं। 3 टाइम गोली अगर ज़्यादा ली तो बहुत नुकसान होता है, पर यहाँ नुकसान नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं हो। तो आपको धरती पर बुलाया है, आप आए तो खा के पी के जाइए, और घर पे भी ऐसा ही चालू रहे, बीमार मत पड़ो। और बीमार पड़ने का नाम ही मत लो, वो आधी बीमारी तो दिमाग की होती है, मेंटल होती है। हम लोग भी पढ़ाते हैं कि बीमारी है ना वो सब मगज में है। अगर आपको लगे कि आप फिट है तो फिट ही रहो, आप सोचोगे कि मैं बहुत प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहेगी, आप जो सोचोगे वैसा ही होता है, सोच ही में ही है। आप सोचोगे कि मैं तो 50 साल की हूँ तो 50 ही रहेगी, आपको लगेगा कि मैं 25 साल की हूँ तो 25 ही रहेंगे, वैसा ही आप जैसे सोचोगे वैसे हो। आपको कोई असल, एज इज नॉट अ फैक्टर, आपकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट, और वो आपके दिमाग से रहोगे, मत रहो। आप किसी को बोलो ना मैं तो, वो चिंता ही मत करो कितने साल की हो गए, वो अलग चीज़ है। मैं किसी को बोलता ही नहीं कि मैं 70 साल का हो गया, मैं तो 25 साल का, 20 साल का, ऐसे ही बोलने रहने का ही है, रहने की चाहिए। आप जैसे रहोगे वैसे ऐसी एनर्जी आएगी। आप सुबह से अगर डल रहोगे, आप सोचोगे कि यार कंप्लेंट करोगे तो कभी खुश नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं करने की जिंदगी में, याद रखना। जैसा है वैसा ही चलाना, एकदम बदलने वाला नहीं है। आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी फैमिली, आपका एटमोसफियर, कोई चेंज एक दिन में नहीं होने वाला। आप कंप्लेंट मत करो, जो है वही है, उसमें से ही आप पॉजिटिव हो, आप फिट हो जाओ, मस्त रहो। आपको सुबह 7 बजे से काम है तो करते जाओ, रात को 10 बजे है तो करना है तो करना पड़ेगा ना, फैमिली भी चलानी है, अपने घर में जितने लोग हैं एडल्ट है, बड़े लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है, छोटे हैं उनका भी ध्यान रखना है, वो सब करते जाओ। पर कंप्लेंट मत, प्रेम से करो, खुश होके करो, तो आपकी एनर्जी ऐसे ही बढ़ जाए। सुबह 5:30 बजे उठ के काम शुरू करना है तो कर लेने, पर रोने का नहीं। जो लोग रोते हैं ना वो कभी खुश नहीं होते।
याद रखना, वो काम करने की स्टाइल चेंज कर, खुश हो के करो ना। आप करते तो है ना, ऐसे भी करते हो, करना भी पड़ता है। बच्चों को स्कूल भेजने का, बड़ों का ध्यान रखने का, फैमिली का ध्यान रखने का, हस्बैंड का ध्यान रखने का, उसकी ऑफिस टाइम संभालने के, सबके रिलेटिव को संभालने का, भले संभालो तब करो, पर खुश हो के तो करो। उसमें तो आपको कोई पैसे नहीं लगते, उसमें कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं हो, उससे आपको आनंद रहे। आप आनंदित रहे ना तो एनर्जी लेवल बढ़ेगी। जो भी काम करो खुश होके करो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझो, प्लेजर समझो। इसमें मजा आता है, जो भी काम करो मजे से करो, खाओ पियो और मजा करो, तो आप एटमोसफियर ही चेंज हो जाएगा, घर का ही एटमोसफियर चेंज हो जाएगा। तो आपका ग्रीन जूस पीने में जितना थोड़ी तकलीफ पड़ेगी जो भी है, पर शुरू तो कर दो, बनाना शुरू कर दो। मैं खुद बनाता हूँ, माइडर मैं अपना ग्रीन जूस खुद बनाता हूँ, सलाद भी बनाता हूँ, चटनी भी बनाता हूँ, हर एक चीज, कोकोनट मिल्क भी बनाता हूँ, आलमंड मिल्क भी बनाता हूँ, और वो पीनट मिल्क भी बनाता हूँ, और मैं ही सब करता हूँ, बिकॉज मेरे को आई एंजॉय। आप सुबह में आधा घंटा जल्दी उठो, काम शुरू करो, आप ही करो, दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहो। अगर आप दूसरे को बोलोगे कि करके दो तो वो मजा नहीं है, आप खुद करो। उसमें जो आपकी आदमी तो खुशी उसमें ही आ जाएगी। आप जो ग्रीन जूस बनाओगे उसमें 8-10 चीज डालोगे ना और वो पियोगे खुद, तो इतना मजा आएगा। दूसरा कोई बनाएगा तो दिल से नहीं बनाएगा, वो मैकेनिकल है। आप खुद जब बनाते हो तो एक अलग चीज़ है, प्रेम से बनाते हो। तो आप जरूर बनाइए, सब चीज़ खुद करिए। सलाद भी आप खुद बनाइए, लाइए बाजार में से, शॉपिंग खुद करिए, उसका भी एक मजा है। आप सब्जी की दुकान में जाएंगे तो वो जो खरीदोगे ना उसमें भी आपको मजा है, हर एक चीज आप अपने दिल से खरीदोगे और फिर वही बनाओगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाओ आपको, उस जिंदगी में नेगेटिविटी करना पड़ता है ऐसा मत करो, ये करना पड़ता है ऐसा चीज करोगे उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, उसका हर एक चीज़ अपने आप मजे से करो। यहाँ तो आपको तैयार मिलता है, पर आप घर पर जाके वैसा ही मजा लो कि जैसे आप, और उसमें टाइम प्लानिंग करनी पड़ेगी ना आपको। अभी जो करते हो उससे आधा घंटा ज़्यादा चाहिए आप, 24 आवर की है, उसमें से अपने लिए थोड़ा टाइम बचाओ। थोड़ा बचा लिया तो आपका सब काम हो गया। हॉस्पिटल नहीं जाने के लिए ये सब रास्ते हैं, हॉस्पिटल जाने का है तो ये मत करो, कुछ मत करो, और फिर पहुंच जाओ आप, प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ और दवाइयाँ ले लो तो काम खत्म हो। इसलिए आप है ना, ये सब मेडिसिन तो दूर रखने के लिए है, आपको घर पे ही मेडिसिन स्टोर चलाना है, दवाई वो किचन और आपकी सब्जी की दुकान और फ्रूट की दुकान, तो ये तीन चीज है ना, वही आपका मेडिकल स्टोर हो। एनिमल लेने का धरती बहन ने भी बताया होगा, एनडीएस में भी मेन है एनिमल लेने। मेरे को ध्यान से मालूम है कि एनिमल लेना अपने कंट्री में बहुत मुश्किल है, अपने घर में नहीं, अपने देश में, भारत में ही एनिमल यानी इतना कुछ अपने यहाँ भी पॉपुलर नहीं हुआ। एनिमल किसी को बोलोगे तो पहले तो बोलेगा छोड़, नहीं नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो टैबलेट मिलती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलता है, पी लो आप सब ठीक हो जाओ, पेट साफ हो जाएगा, एनिमल की क्या जरूरत। पर वो एनिमल एक अलग चीज, वो इतनी जरूरी है जो हम लोग नहीं करते, हम पढ़ाते भी नहीं। हम लोगों ने कभी ऐसा पढ़ाया नहीं मेडिकल स्टूडेंट को, क्या स्टूडेंट को कि डॉक्टर बनो तो एनिमल लेना, रेगुलर एनिमल लेना, वो तो डट को लेकर टैबलेट ले लेना तो आपका पेट साफ, वो फार्मेट बढ़ जाए। और एनिमल की इम्पोर्टेंस इन्होंने धरती पर पढ़ाएगी, पर हम साइंटिफिक भी जानते हैं कि आपका जो इंटेस्टाइन साफ हो जाए, एकदम साफ हो जाए, वो नहीं होता है, रोज नहीं होता। आप एक टाइम टॉयलेट जाओगे, तीन टाइम खाते रहोगे तो आपका पेट साफ नहीं होता, और फिर अंदर जो हो गया तब एक्यूमुलेट इकट्ठा हो गया तो वो तो आपको मालूम है क्या प्रॉब्लम हो गया। पेट के सब बीमारी, कॉन्स्टिपेशन इज द कॉज ऑफ ऑल द डिजीज, याद रख। जिसको कॉन्स्टिपेशन हुआ उसके बाद सब बीमारियां चालू, अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही भूल जाओगे, भूल जाओ, याद ही नहीं आएगी, चली जाएगी ऐसे चली, क्योंकि एनी मार से अपना लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सब भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, वो साफ हो गया।
रेगुलर प्लेन वाटर से एनिमा लेना है, कोई तकलीफ नहीं। आप लेना शुरू करेंगे तो लगेगा इतना सिंपल, पहली बार ऐसे जो लोग लेते हैं उनको मुश्किल लगता है, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो सब एटमोसफियर थोड़ा ऐसा लगता है। पर जैसे आप दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ऐसे एनिमा भी एक मेडिसिन है समझो, और ले लें। जिस बार शुरू कर दिया फिर तो जब नहीं लोगे ना तो ही प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा यार एनिमा नहीं लिया है। तो एनिमा एक आप जरूर शुरू करिए, बहुत सिंपल है, दिखा देंगे आपको। यहाँ 250 रुपये में आपकी सारी बीमारियाँ कम हो जाएगी, या तो गुम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खाली 250 रुपये। ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि एक बार 250 रुपये करने से आपकी सब हेल्थ सुधर जाएगी, तबीयत कंप्लेंट नहीं रहेगी, एक गैस नहीं होगा, इंडाइजेशन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, हेडेक नहीं होगा। सब प्रॉब्लम है ना कॉन्स्टिपेशन और गैस के, गैस ही नहीं होगी, आपका इंटेस्टाइन साफ रहेगा तो गैस का इश्यू ही नहीं आएगा। जो गैस बनती है, गैस प्रॉब्लम होती है, वो इंटेस्टाइन में सब फर्मेंट होता है, तब जाके गैस। तो इसलिए आप एनिमा लोगे 50% आपकी कंप्लेंट प्रॉब्लम दूर हो जाए, एनर्जाइज हो जाओगे, आपने इतने एनर्जी आ जाएगी कि वो थकावट नहीं निकल जाएगी। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब भी कुछ लगता है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई, हेडेक हो गई, बॉडी एक हो गया, या एनर्ज पेट में गड़बड़ हो गई, कुछ भी, चुपचाप एनिमा ले लेने, 10 मिनट का काम है, आप एकदम बस बाथरूम में बात ले लो, फ्रेश हो जाओ, और फिर आप एनर्जी लेके बाहर आओ और फिर शुरू हो जाओ, वो सब गया काम थे, आपकी सारी थकावट कंप्लेंट सब गई, आप फिट हो गए, बाहर निकलो तो जैसे आपका फ्रेश नया दिन शुरू हो जाए। सुबह 6 बजे जो होता है वही शाम को रात को हो जाता है फ्रेश। इसलिए आप एनिमा की आदत डालिए, एनिमा शुरू करिए, धरती पर दिखाएंगे आपको एनिमा का जो भी प्रोसीजर है या जो भी, पर वो साइंटिफिक है, याद रखना एनिमा साइंटिफिक है, इंटेस्टाइन साफ करना है, उससे सारा प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का सब इश्यू चले जाएंगे, आपकी हेल्थ देख देते ठीक हो जाए। एनिमा तो इंस्टेंट है, आप अभी एनिमा लो, आधे घंटे के बाद देखो आप कितने एनर्जाइज हो जाते, एकदम डलनेस लाइफ में दूर हो जाते। तो ये सब एनिमा, फास्टिंग, रॉ फूड, 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, आप सब थक गए लगते हैं, फिर हम आगे चलाएंगे जो भी टाइम है कि रॉ फूड का, या ये कच्चा खाने का है, नो कुकिंग, गैस बंद करो, किचन बंद करो, ये सब 5 मिनट के बाद फिर शुरू। Thank you.